हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आगे डूबते हुए सूरज को छठ पर्व पर अर्घ्य क्यों दिया जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक राज है। आज हम आपको वही राज बता रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कभी पर्व या त्योहार खत्म भी नहीं होते। हर दिन किसी न किसी पावन पर्व या तिथि से जुड़े उत्सव की धूम रहती है। रक्षाबंधन, दशहरा और अभी हाल ही में बीती है दीपावली, उसके बाद आ रही है छठ की महापर्व। सूर्य की साधना का इसको महापर्व कहा जाता है। उगते सूर्य को तो सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन डूबते सूर्य को कोई नहीं करता। यह एक कहावत है लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि डूबते सूर्य की भी साधना आराधना होती है और बड़े धूमधाम से उल्लास के साथ होती है। आस्था और विश्वास से जुड़ा ऐसा ही महापर्व है छठ, जिसमें डूबते सूर्य की विशेष रूप से पूजा प्रार्थना की जाती है। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ महापर्व सूर्य की साधना से जुड़े छठ महापर्व का 4 दिवसीय अनुष्ठान नहाए खाए के साथ शुरू हो जाता है। भगवान भास्कर को सायकालीन अर्ध 13 नवंबर की शाम को, जबकि 14 नवंबर की सुबह सूर्य देवता को प्रातःकालीन अर्ध प्रदान करने के साथ इस महानुष्ठान का समापन होगा। मान्यता है कि इस पावन दिन भगवान भास्कर को अर्ध देने से इस जन्म के साथ साथ किसी भी जन्म में किए गए पापों का नष्ट होता है। सूर्य संग होती है छठी मैया की पूजा। छठ प्रत्यक्ष देवता सूर्य की साधना आराधना का महापर्व है। इस पावन पर्व पर सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि की कामनाओं के लिए हर कोई यही गाता है, हम हूँ अरगिया देवे हे छठी मैया, हम हूँ अरगिया देवे हे छठी मैया। अब आप कहेंगे कि यह पर्व मुख्य रूप से सूर्य की आराधना का है, तो फिर छठी मैया की पूजा क्यों? आखिर कौन है ये छठी मैया? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ देवी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना मानी गई है। छठ मैया निसंतानों को संतान का सुख और लंबी आयु प्रदान करती हैं। इन्हें विष्णु मैया और बालदा अर्थात पुत्र देने वाली भी कहा गया है। कहा जाता है कि संतान के जन्म के छठे दिन जो छठी मनाई जाती है, उसमें इन्हीं षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। संतान के सौभाग्य की कामना का व्रत सूर्य षष्ठी व्रत की तैयारी लोग कई महीने पहले से ही करने लगते हैं। हालांकि विशेष रूप से यह 4 दिन पहले शुरू हो जाता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन। पर वेतिने नहाए खाए व्रत करती हैं। पर वेतिन पूजा करने वाली उन महिलाओं को कहा जाता है जो संतान के सुख सौभाग्य की कामना से छठी मैया का व्रत रखती हैं। खरना पर तैयार होता है विशेष प्रकार का प्रसाद। इसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन सुबह से ही खरना की तैयारियां शुरू हो जाती है। इस दिन व्रती महिलाएं दिन भर मौन रखते हुए व्रती करती हैं। शाम के समय चावल, गुड़ की खीर और घी, लगी रोटी, मूली, केला, सेब, अमरूद, पान, फूल, माला के साथ केले के पत्ते पर पूजा करती हैं। यह प्रसाद आम की लकड़ी की जलावन पर तैयार किया जाता है। दीप प्रज्वलित करने के बाद आरती हवन के बाद व्रती महिलाएं प्रसाद ग्रहण करती हैं। डूबते सूर्य को अर्घ पंचमी के दिन इस व्रत को रखने वाले लोग अपने सिर पर टोकरी में सूप, फल, दीप रखकर घाट किनारे चल पड़ते हैं। महिलाएं झुंड का झुंड बनाकर छठ के पारंपरिक गीत गाती हुई नदी किनारे पहुंचती हैं। इस दिन शाम को परवेतिने अस्त हो रहे सूर्य को पश्चिम की ओर खड़े होकर हाथ में सूप लेकर अर्घ देती हैं। व्रती महिलाएं नए कपड़े में नदी, पोखर आदि के जल में कमर तक खड़ी होकर हाथ में सूप, उसमें नारियल, ठेकुआ, गागल नींबू, केला, अमरूद, संतरा, मूली, सिंघाड़ा आदि फलों के साथ अर्घ देती हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की सुबह उगते सूर्य को परवेतिने हाथ में सूप लिए अर्घ देती हैं। इस अर्घ पूजन में सभी लोग सम्मिलित होते हैं। दीप दान हवन पूजन के बाद सभी को प्रसाद बांटा जाता है। इस प्रसाद में ठेकुआ और केला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लोक आस्था का पर्व सिर्फ देश दुनिया में पूरी निष्ठा और श्रद्धा से किया जाता है। कहते हैं कि इस पूजा के दौरान सच्चे मन से मांगी गई सभी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से छठ का महापर्व मनाया जाता है
और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आखिर डूबते हुए सूरज को छठ पर्व पर अर्घ क्यों दिया जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक राज है। आज हम आपको वही राज बता रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कभी पर्व या त्योहार खत्म भी नहीं होते। हर दिन किसी न किसी पावन पर्व या तिथि से जुड़े उत्सव की धूम रहती है। रक्षाबंधन, दशहरा और अभी हाल ही में बीती है दीपावली, उसके बाद आ रही है छठ की महापर्व। सूर्य की साधना का इसको महापर्व कहा जाता है। उगते सूर्य को तो सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन डूबते सूर्य को कोई नहीं करता। यह एक कहावत है लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि डूबते सूर्य की भी साधना आराधना होती है और बड़े धूमधाम से उल्लास के साथ होती है। आस्था और विश्वास से जुड़ा ऐसा ही महापर्व है छठ, जिसमें डूबते सूर्य की विशेष रूप से पूजा प्रार्थना की जाती है। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ महापर्व।